विटामिन ई कैप्सूल का यूज आप सब ने किया होगा, किसी ने फेस पैक में मिला के इसका यूज किया होगा, तो किसी ने हेयर की रेमेडीज में यूज किया होगा, बहुत सारे लोग इसे एज अ सप्लीमेंट भी यूज करते हैं। पर बहुत से लोग लैक ऑफ नॉलेज की वजह से इसका यूज सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिससे होता यह है कि विटामिन ई की जो अचूक फायदे हैं, जो अचूक बेनिफिट्स हैं, उनसे ये वंचित रह जाते हैं। तो हम कैसे इसका यूज करें जो इसके सारे फायदों को एक साथ हम अपनी बॉडी में कंज्यूम करा सके, अपनी बॉडी को इसका बहुत अच्छे से बेनिफिशियल तरीके से इसके फायदों पहुंचा सके। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि विटामिन ई क्या है, कैसे इसका यूज करना चाहिए, क्या क्या इसके फायदे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या इसका मिथ है। जैसे कि आप लोगों को इसको हेयर ग्रोथ को लेकर के एक बहुत बड़ा मिथ है, इसको मैं आज पूरी तरह से सॉल्व कर दूंगी, जिससे आप विटामिन ई के कैप्सूल को यूज करने से बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल, जहां आपको मिलते हैं ब्यूटी वर्ल्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के रिव्यू, साथ साथ में मिलते हैं इंडियन हर्ब्स की बहुत अच्छी नॉलेज, जो हर्ब्स कहीं खो सी गई हैं उनके बारे में अगर आपको जानना है, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपना ढेर सारा प्यार इस चैनल को दें, क्योंकि मैं पुरानी से पुरानी एशियन हर्ब जो हेयर ग्रोथ, स्किन हेल्थ, बॉडी हेल्थ, हर पूरी हेल्थ में, ओवरऑल आपकी हेल्थ में इंक्लूड करके आपको बेनिफिट पहुंचाएंगी, आपको बेनिफिशियल तरीके से फायदे पहुंचाएंगी, वो सारा कुछ आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। तो आज हम बात करेंगे विटामिन ई कैप्सूल की, जिसका यूज बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारे लोग इसको डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, डायरेक्ट फॉर्म में ऑयल यूज करते हैं, क्या इसका यूज कितना बेनिफिशियल है आपके लिए, ये सारे प्रॉब्लम्स आज सॉल्व होने वाले। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे विटामिन ई है क्या। विटामिन ई आपकी बॉडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट जिस चीज में भी जुड़ जाता है, हमको पता है कि वो हमारी स्किन हेल्थ, हेयर हेल्थ और हमारी ओवरऑल बॉडी को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट जितनी हमारी बॉडी बनाती है, जितना हमारी बॉडी को बनाने में सहायक चीजें हैं वो अपनी बॉडी को देते हैं, तो हम देखते हैं हमारी बॉडी की सेल्स डेवलप होने लगती हैं, उसमें जो ब्रेकेज हैं वो फिर से फिल होने लगते हैं, और हमारी स्किन, हमारे हेयर, हमारी बॉडी अपने एक अच्छे वे में परफॉर्म करने के लिए स्टार्ट हो जाती है, रेडी हो जाती है। तो विटामिन ई भी यही काम करता है, आपकी बॉडी एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपकी बॉडी को पूरी तरह से फुलफिल करता है अच्छे अच्छे मिनरल्स से, ऑयल से, और ये एक फैट में डाइल्यूट होने वाला बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि बहुत कम मात्रा में चीजों में मिलता है। अब हम आते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। सबसे बड़ा जो फायदा है वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस मामले में वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिएगा, हो सकता है कि आप इम्पोर्टेंट नॉलेज मिस कर दे। आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन आ जाता है, मेलाज्मा आ जाता है, जो झाइयां होती है, फिर आपने देखा होगा ब्राउन कलर के या ब्लैक कलर के आपके फेस पे स्पॉट दिखने लगते हैं, काले तिल दिखने लगते हैं। ये सारा तब होता है जब हमारी स्किन में जो मेलानिन का प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है, और साथ साथ में वो एक जगह इकट्ठा होने लगता है, कलेक्ट होने लगता है। जैसे कि बहुत सारा काला जर्म्स या काला धुआं आप मान लीजिए वो एक जगह आके रुकता है, तो वहां पे ब्लैक स्पॉट पड़ जाता है वॉल में या फिर कहीं पे भी, सेम हमारे स्किन के साथ होता है, और वही हमारे ब्राउन स्पॉट, ब्लैक स्पॉट, मेलाज्मा, पिगमेंटेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। विटामिन ई करता क्या है, विटामिन ई जब आपके सेल्स को डेवलप करता है, साथ में डेड सेल्स को बाहर निकालता है, और आपके टिश्यूज को जोड़ता है आपस में जो ब्रेक हो चुके हैं, साथ साथ में ये मेलानिन प्रोडक्शन जो एक जगह इकट्ठा हो गया है उसको पूरी तरह से ब्रेक कर देता है, जिससे आपकी पिगमेंटेशन धीरे धीरे कम होने लगती है, मेलाज्मा धीरे धीरे गायब होने लगता है, या किसी भी तरह का ब्राउन स्पॉट या ब्लैक स्पॉट पूरी तरह से आपकी स्किन से गायब हो जाएगा। बट इसका यूज आप जब लॉन्ग टर्म में करेंगे, असर ये तभी दिखाएगा। ऑयली स्किन वाले बहुत ज्यादा बचते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ऑयली और बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी के साथ आता है, बट उनको डरने की जरूरत नहीं है, वो रात में इसका यूज कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को एब्जॉर्ब कर लेगा, आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाएगा, क्योंकि विटामिन ई सबसे ज्यादा जल्दी पेनिट्रेट होने वाला ऑयल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इसकी बहुत ही खास बात है, वो स्किन की थर्ड लेयर तक जाता है। बहुत सारे सीरम आप यूज कर चुके होंगे, बहुत सारे एसिड्स यूज कर चुके होंगे, बहुत सारे केमिकल्स यूज कर चुके होंगे, बट आपको क्या पता है कि हमारी स्किन की 3 लेयर होती है, बट और सारी चीजें आपकी स्किन की सेकेंड लेयर तक ही वर्क करती है, जबकि हमारे टिश्यू की ब्रेकेज, मेलानिन प्रोडक्शन का कलेक्शन और डेड सेल्स, ये सब हमारी स्किन की थर्ड लेयर पे होता है। तो विटामिन ई आपकी थर्ड लेयर तक जाके उसको पूरी तरह से रिपेयर करता है और आपकी स्किन को अंदर से हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है।
अब हम आते हैं कि आप इसको कैसे एज अ सप्लीमेंट, एज अ कैप्सूल कैसे आप इनहेल करेंगे। एक्सटर्नल यूज तो हमने जान लिया, इसका इंटरनल यूज कैसे करना है, तो आप दिन में किसी भी टाइम एक कैप्सूल इसका ले सकते हैं। इस कैप्सूल को जब आप लेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदे मिलेंगे। वो फायदे आपके हेयर से रिलेटेड है, आपकी स्किन से रिलेटेड है, साथ साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आजकल बहुत ही ज्यादा हो रही है, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक, इन दोनों में भी ये रिसर्च में साबित हो चुका है कि इसमें भी ये पूरी तरह से फायदेमंद है। कैसे, मैं बताती हूँ। जब विटामिन ई आपकी ब्लड में जाता है, ब्लड में घुलता है, ये बहुत जल्दी घुल जाता है, तो ये जहाँ पे इकट्ठा हुआ पार्टिकल होता है, सेल्स जो इकट्ठी हो जाती है, जो कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है, उसको धीरे धीरे तोड़ने लगता है, और जब वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है तो आपको पता है वो पूरी तरह से ब्लड में डाइल्यूट हो जाता है, और किसी भी जगह पे कहीं पे भी कोई स्पॉट नहीं रह जाता है, कोई ब्लॉकेज नहीं रह जाता है। इससे क्या होगा, आपको हार्ट अटैक का खतरा, कोलेस्ट्रॉल का खतरा पूरी तरह से कम हो जाएगा, और आपकी स्किन में जब ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छी स्पीड में होगा, बहुत अच्छी मात्रा में होगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा, तो आप देखेंगे आपकी हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होगी, साथ साथ में आपकी स्किन हेल्थ भी में काफी सुधार आ जाएगा, आपकी स्किन प्रॉपर तरीके से ग्लो करेगी, और एक बहुत जैसे देखने में लगता ना कि इसकी स्किन प्रॉपर हेल्थी, वैसी आपकी स्किन हो जाएगी जैसे सेलिब्रिटी स्किन होती है। अब हम आते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज पे, जो इसका मिथ है, जो इसको लेकर एक बहुत बड़ा अपवाद है, कि अगर विटामिन ई बालों की हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, अगर विटामिन ई लगाने से आपकी हेयर ग्रोथ होते हैं, तो ऐसा तो नहीं आप फेस पे इसका यूज करेंगे तो फेसियल हेयर तो नहीं आ जाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ये एक बहुत बड़ा अपवाद है। विटामिन ई आपको किसी तरह का हेयर मतलब प्रमोशन नहीं देता, हेयर को प्रमोट नहीं करता, बल्कि ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, आपके ब्लड सेल्स को डेवलप करता है, नए टिश्यूज बनाता है, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ती है, ना कि इसको लगाने से बढ़ती। इसके ये दूसरी तरह से फायदा करके आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, आपकी स्किन हेल्थ को प्रमोट करता है, तो आप बिना किसी झिझक के, बिना किसी प्रॉब्लम के, फेस हो या हेयर पे, आप बहुत इजीली विटामिन ई के कैप्सूल यूज कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप इसका यूज नाइट में करते हैं तो आपको किसी भी तरह की सनस्क्रीन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि विटामिन ई बहुत ही अच्छे से सनबर्न, सन की जो रेजेज आती है उनको प्रोटेक्ट करने में आपके लिए पूरी तरह से बेनिफिशियल है। बहुत सारे सीरियल्स अगर आप ध्यान से देखते होंगे, बहुत सारी मूवीज देखते होंगे या एक्ट्रेसेस को फॉलो करते होंगे, तो आप देखेंगे वो नाइट में विटामिन ई ऑयल, विटामिन ई की कैप्सूल्स डायरेक्ट अपने फेस पे, अपने हेयर्स पे लगाते हैं। तो आप इन छोटी छोटी जानकारियों से अपने हेल्थ को पूरी तरह से अच्छा कर सकते हैं, गुड दिखा सकते हैं, अपने आप को अच्छा दिखा सकते हैं। तो होप अगर आपको इन जानकारियों से किसी भी तरह की कोई मदद मिलती है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।